आज का ब्लॉग कुछ इस प्रकार है कि आज मैं जा रहा हूँ मनाली, कुल्लू एंड मनाली। सो बेसिकली मेरी स्कूल की ट्रिप है जो हमें कुल्लू मनाली ले जा रही है, तो मैंने सोचा कि ब्लॉग कर लेते हैं। काफ़ी दिनों से कोई टूर ब्लॉग नहीं किया था, तो सोचा कि चलो कर लेते हैं। तो मेरा कुछ स्टे है 3 नाइट्स का, 4 डेज 3 नाइट्स, और एक दिन आने का और एक दिन जाने का, ऐसे कुछ है शेड्यूल। तो जैसे देखते हैं कि कहाँ कहाँ मैं जाऊँगा, वहाँ आपको ले जाऊँगा। तो अभी तो जस्ट मैं नहा के आ चुका हूँ, बस मुझे थोड़ी देर लगेगी तैयार होने में। अभी 2:30 हो रहे हैं, उसके बाद मैं 3:30 पे निकल जाऊँगा। तो हमारा यहाँ से डिपार्चर है 4 o'clock, और वहाँ पे देखते हैं कब तक पहुँचेंगे, कोई टाइम फिक्स्ड नहीं है, तो अभी देखते हैं। तो चलिए मैं आपसे तभी मिलता हूँ। आपको बताना भूल गया था, ये सारा मेरा लगेज भी तैयार हो चुका है। तो आपको मैं तैयार होने के बाद और स्कूल पहुंचने के बाद मिलते हैं। मैं अभी आ चुका हूँ, यहाँ पे बहुत शोर हो रहा है एंड बहुत हम बैठ चुके हैं, बस हम निकलने वाले हैं और बाकी देखते हैं कितनी देर में निकलेंगे। जैसे ही वहाँ पे पहुँचते हैं मैं आपको दिखाता हूँ। बाकी सारे लोग हैं, ये सब टीचर्स और पीछे भी हैं बच्चे। जैसे हम यहाँ से डिपार्चर करेंगे वैसे मैं आपसे बात करता हूँ। यहाँ पे हम थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए खड़े हुए हैं, थोड़ा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद फिर से हमारा ट्रैवल स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे अभी सब लोग डांस कर रहे थे। अभी सब लोग फोटोज खींच रहे हैं, हम डांट रहे हैं, पहले डिनर कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लिक करेंगे। थोड़ा सा ब्रेक लेने के लिए थोड़ा यहीं स्टॉप पे उतरे हैं, सीएनजी पंप पे, थोड़ा वॉशरूम के लिए। तो अभी देखते हैं आगे का क्या, कितनी लंबी जर्नी रहेगी। Thank you.
तो हम अभी आ चुके हैं अपने रिजॉर्ट पे। मैं अभी आपको नहीं दिखा सकता बिकॉज लाइक फ़ोन की बैटरी बिल्कुल ऑलमोस्ट डाउन है। जब मैं चार्ज कर लूँगा उसके बाद आपको टूर कराते हैं। बट हमें काफ़ी टाइम हो गया, लाइक काफ़ी वक्त। मैं आ गया हूँ अपने रूम में और मेरे साथ मेरे तीन दोस्त रुके हैं। तो ये है रूम का लाइक बालकनी साइड, जहाँ से हमें एक रिवर वाला व्यू दिखता है और साथ में ये माउंटेन वाला व्यू दिखता है। और रूम हमारा कुछ इस प्रकार है। सॉरी फॉर दिस मैस बिकॉज लाइक मेरे दोस्तों ने फैला दिया। और ये हमारे एंट्रेंस है, ये डोर है, ये वॉशरूम है और ये क्लोज़ेट है। और ये है टीवी और ये है बेड, ये है एक्स्ट्रा बेड और ये है सोफ़ा। एंड जैसे मैंने आपको बताया ये है हमारा व्यू। सो बेसिकली हमें बहुत अच्छा लगा हमारा रूम। और बाकी अभी जस्ट टीचर्स ने कहा है कि हम टू ओ क्लॉक निकलेंगे। तो हमने सोचा कि चलो तब तक थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे, उसके बाद थोड़ा रेस्ट कर लेंगे क्योंकि हम पूरे बस में ट्रैवल करते सोए नहीं। तो उसके बाद देखते हैं कि थोड़ा रेस्ट करके थोड़ा फ्रेश कर होके तो देखते हैं, फिर निकलते हैं, फिर हमारा ट्रिप होगा। अभी याद नहीं है मुझे क्या होगा, बट जैसे जैसे होगा मैं आपको लेता जाऊँगा। तो ये था मेरे डे वन का आउटफिट। अभी हमने लंच कर लिया है, उसके बाद हम जाएंगे अब हिडिंबा टेम्पल। हिडिंबा टेम्पल के बाद हम जाएंगे शॉपिंग करने। शॉपिंग करने के बाद देखते हैं कुछ और लेंगे और उसको हम आपको दिखाते रहेंगे। तो चलिए तो यहाँ हम हिडिंबा टेम्पल पहुँच चुके हैं। और यहाँ पे बहुत मतलब ऐसा है कि यहाँ पे ज़्यादा ठंड नहीं है पर बहुत अच्छा है, बाकी का व्यू बहुत अच्छा है। और यहाँ पे बहुत से लोग हिडिंबा टेम्पल घूमने आए हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे स्टॉल्स भी थे, बच्चों के लिए गेम्स थे और बाकी खाने पीने का स्टॉल था। तो हम अभी यहाँ से जा रहे हैं और यहाँ पे लाइक सामान बहुत वैसा अच्छा मिल रहा है। बट एज़ कम्पेयर टू अगर हम दिल्ली से देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉस्टली है टूरिस्ट के लिए, बट सामान अच्छा है यहाँ पे। अगर आप चाहते हो आप ख़रीद सकते हैं यहाँ पे सामान, क्योंकि यहाँ पे बहुत रीज़नेबल का मत कह सकते हैं, थोड़ा बार्गेनिंग हो सकता है। बट एक वो होता है कि मनाली से है तो अच्छा होगा कि मतलब मनाली का एक तरीके से मेमोरेबल बन जाता है कि हाँ हमने मनाली से कुछ ना कुछ लिया। अभी हम हिडिंबा से होके माल रोड आ चुके हैं। रोड ही है लाइक ये पूरा मेरा बैकग्राउंड में। और उसके बाद हम तो हमें यहाँ आ जाते जाते ऐसे लोग मिले जो यहाँ पे परेड निकाल रहे हैं और ये एक तरीके से एक गॉड को वर्शिप कर रहे हैं। और मेरे को इन गॉड का नाम नहीं पता, बट यहाँ का कहना है कि यहाँ पे ये गॉड बहुत ही ज़्यादा वर्शिप होते हैं और ये इस टाइम पे ये सीज़न में इनको ज़्यादा यहाँ पे मतलब ऐसे ही सेलिब्रेट करके काफ़ी अच्छे से सेलिब्रेट करा जाता है। मतलब ये इस टाइम पे ये एक तरीके से पहाड़ी लोगों का फेस्टिवल होता है। तो यहाँ पे हम आ गए हैं माल रोड और यहाँ पे लाइक बहुत अच्छे तरीके से स्ट्रीट को डेकोरेट किया करा जाता है। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे बहुत सारी शॉप्स हैं और यहाँ पे मैंने भी सोचा कि मैं कुछ ख़रीदता हूँ। एंड सॉरी फॉर द ग्लिच, यहाँ पे इस वीडियो में थोड़ा ग्लिच आ गया था, वॉइस प्रॉब्लम आ गई थी, इसकी वजह से हमें ओरिजिनल वॉइस को बंद करके हमें खुद की अलग से वॉइस डालनी पड़ी। मुझे अपने घर के लिए भी कुछ लेना है लाइक छोटा मोटा कुछ भी एज अ गिफ्ट। और आगे मार्केट्स है और ये सब है। तो मैं सोच रहा हूँ कि लाइक मैं मेरी बहन ने पाउच की बोला था तो मैं पाउच देखूँ।